कि जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये हैं उस खौलते हुए खून, उस इकलौते क्रांतिकारी के शब्द व विचार जिसने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए 23 वर्ष की ही उम्र में अपना देह त्यागना मंजूर समझा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद आजम भगत सिंह जी की। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। ऐसी कमाल की बुद्धि जवाज हौसला को लेकर पैदा हुए भगत सिंह ने आज़ादी की आग में मानो घी का काम किया था। इसे एक नौजवान ने पूरे भारत में हर क्रांतिकारी के अंदर आज़ादी की आग लगा दी थी। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और माता का नाम श्रीमती विद्यावती जी था। ये 10 भाई बहन थे, लेकिन सिर्फ भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में लिया जाता है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो पंजाब में है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचित गदर पार्टी के सदस्य थे, जिससे भगत सिंह पर इन दोनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसलिए ये बचपन से ही क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों से नफरत करते थे। 23 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला जिससे उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं आधे में छोड़कर महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार चल रहा था। 14 वर्ष के इस नन्हे बालक ने सरकारी पुस्तकें और कपड़े जला दिए और यहाँ से इनके मन में क्रांतिकारी की भावना और भी तेज हो गई। उसके बाद उन्होंने गदर पार्टी में हिस्सा लिया। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजों को काकोरी कान जैसे सबक का भी अंजाम दिया। उसके बाद अंग्रेजों को एक और सबक सिखाने के लिए स्कॉट पुलिस अधिकारी को मारने का प्लान बनाया, जिसने साइमन कमीशन के विरोध में चल रहे आंदोलन पर लाठीचार्ज कराया था, पर धोखे से असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को मार डाला। फिर आगे चलकर अंग्रेजों की बहरी सरकार के कान के पर्दे खोलने के लिए ब्रिटिश असेंबली में बम गिराए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जेल में चले गए। तो आज हम इस महान अमर आत्मा के 20 सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायी व अनमोल विचारों को सुनेंगे, जो आज से आपके अंदर ऊर्जा का भंडार पैदा कर देंगी। मेरी गर्मी के कारण राख का एक एक कण चलायमान है, मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी स्वतंत्र है। जो व्यक्ति उन्नति के लिए राह में खड़ा होता है, उसे परंपरागत चलन की आलोचना एवं विरोध करना होगा, साथ ही उसे चुनौती देनी होगी। कोई भी व्यक्ति तभी कुछ करता है जब वह अपने कार्य के परिणाम को लेकर आश्वस्त होता है, जैसे हम असेंबली में बम फेंकने पर थे। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है, देश की आज़ादी। दुनिया की अन्य कोई आकर्षक वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए खुद को बलिदान दे सकते। सामान्यतः लोग परिस्थिति के आदि हो जाते हैं और उनमें बदलाव करने की सोच मात्र से डर जाते हैं। अतः हमें इस भावना को क्रांति की भावना से बदलने की जरूरत है। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, पर मेरी आत्मा को नहीं। मुझे खुद को बचाने की कभी कोई इच्छा नहीं रही और मैंने कभी भी इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, यह एक सजा है। स्वतंत्रता हर इंसान का कभी ना खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। कानून की पवित्रता तभी बनी रह सकती है जब तक कि वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। अगर बहरों को सुनना है तो आवाज़ को बहुत जोरदार होना होगा। जब हमने इस असेंबली में बम गिराया तो हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ और वही सच्चा बलिदान है। किसी को क्रांति शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस शब्द का दुरुपयोग करते हैं, उनके फायदे के हिसाब से इसे अलग अर्थ और मतलब दिए जाते हैं। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है।
जैसा कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर तैयार थे। अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब खट्टे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहें। क्रांति लाना किसी भी इंसान की ताकत के बाहर की बात है। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, बल्कि किसी विशिष्ट वातावरण, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में ही क्रांति लाई जा सकती है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरा, अगर आप लोग चाहते हैं कि भगत सिंह की पूरी बायोग्राफी कवर करी जाए, कैसे उन्हें शिक्षा मिली, कैसे उनमें लीडरशिप क्वालिटी उभर कर आई, कैसे उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, कैसे उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया, आखिरी के पल कैसे जेल में बिता कर आज़ादी की लहर को और भी तेज करा, तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हमारे चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरीज, जिंदगी बदलाव से संबंधित हाई पावर मोटिवेशनल वीडियोज व प्रेरणादायी बातें और महान लोगों के अनमोल विचार सुनते रहें और अपने अंदर के मोटिवेशन को हमेशा जगाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।